प्रश्न चार, दूसरी कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, वसंत के परंपरा वर्णन को प्रेमोद्दीपन के रूप में वर्णित किया जाता है, जैसे नायक नायिका का परस्पर मिलना, झूले झूलना, रूठना मनाना आदि। परंतु इस कविता में ऋतुराज वसंत को कामदेव के नन्हे बालक के समान दिखाया गया है। इस नन्हे से शिशु को पालने में झुलाने, बतियाने, फूलों का झिंगुला पहनाने, नजर उतारने, जगाने आदि का काम प्रकृति के विभिन्न उपादानों द्वारा किया जाना बताया जा रहा है। इसलिए यह वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से भिन्न है।